जैन की भांग मतलब समझ रहे हो ना, मीडियम चल रही है अपनी। अगर वो एक्सीडेंट करते हो तो उनके ऊपर लाखों का चालान है। स्टेशन का हाल बताऊं मैं तुमको, तीन पड़ी है, कोई जाएगा यहाँ से? सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, जिस साइड तुम्हारा भाई नवराज स्वागत करता है एक और नई वीडियो में। आज अपन उज्जैन में, मतलब कि अपन को जाना था ओमकालेश्वर, बट भाई इतना परेशान हो चुके हैं ना, पूरी बस वगैरह की चल रही है यहाँ पे हड़ताल, बस मिल रही है ना मेरे को, टैक्सी मिल रही है, मतलब पर्सनल जो टैक्सी होती है, मतलब कुछ भी साधन नहीं है ओमकालेश्वर जाने का। तो ऑलमोस्ट प्लान जो है अपना भाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ से रिटर्न अपना जो है भोपाल जाने का हो रहा है। फिलहाल अभी है अपन उज्जैन में, उज्जैन में पता है कहाँ पर है ये चेक करें भाई, भांग की दुकान पर है, और उज्जैन की भांग मतलब समझ रहे हो ना, अगर ये आधा आधा गिलास भी अगर मैं पी लूँगा ना तो बहुत बेकार हरकत करूँगा। तो यहाँ पे जो है हम तीन लोग हैं, ये पीछे ऋतिक है, गौरव है, भाई दोनों ने एक एक गिलास पी लिए। तो कुछ लग रहा है पीने के बाद? अभी आएगा शुरू, अभी कितना 10 से 15 मिनट लेता ना चढ़ने में भाई, 10 से 15 मिनट लगेंगे पीने के बाद चढ़ने में, ठीक है? तो भांग की कैसी क्या भाई हरकत करने वाले पीने के बाद हम लोग, ये सारी चीज़ें आज वाली वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। और अपना 365 का दूसरा एपिसोड ये होने वाला है, जो कि आपको देखने को मिलेगा चैनल पे 2 तारीख को, आज 1 तारीख। और आज अभी अपन अभी अपन उज्जैन में भांग वगैरह पीते हैं, स्टेशन चलते हैं, जो भी करेंगे प्यारी सी आज की वीडियो बनाते हैं, अच्छी से अच्छी रिकॉर्ड करके आप सबको दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी, तो बिना स्किप करें लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। बाकी भाई अभी भांग वगैरह अपन पीते हैं यहाँ पे, ये रही, थोड़ी थोड़ी करके पियेंगे, एक बार में पियेंगे तो लाइन आउट हो जाएगी, समझ रहे हो ना। अबे क्या लग रही है भाई इसमें, मगर जो हरकतें करने वाले हैं ना अपन, नहीं ये नहीं चढ़ेगी, 20 वाली चढ़ती है 50 वाली। हाँ भाई, तीन भांग है, एक पानी के साथ, एक दूध के साथ, और एक क्या, काजू पिस्ता। पानी वाली 20 रुपए की है, दूध वाली 50 रुपए की है, 80 रुपए की काजू पिस्ता भाई, मतलब पानी वाली भयंकर चढ़ती है, उससे कम चढ़ती है दूध वाली, और उससे कम चढ़ती है काजू पिस्ता वाली। तो अपन पी रहे दूध वाली यहाँ पे, मीडियम चल रही है अपनी, एक और पी ले भाई, डुलते फिरेंगे भाई, एक में लग जाएंगे, प्योर रहती ओरिजिनल यार। किला का बिस्तर लगाया यहाँ पे, किनको अभी भाई ये जो हरकतें करेगा ना, मैं रिकॉर्ड करूंगा इनके हरकतें, रिकॉर्ड करेंगे। तो सीन कुछ ऐसा है भाई, यहाँ पे जो है भांग वगैरह अपन ने पी लिए, चलते हैं स्टेशन, पहले खाना खा लेते हैं, बाद में नहीं खा पाएंगे, फिर नहीं खा पाएंगे, फिर रुक के खाना पड़ेगा। तो पहले अपन चल रहे हैं अभी खाना खाने, यहाँ से चलते हैं, पेमेंट वगैरह डन करते हैं भांग वाले भैया का, पैसे कुछ दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे अपन, नहीं 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 अभी दे देते हैं, कि यहाँ की पेमेंट डन करते हैं, चलते हैं अपन खाना खाने कुछ अच्छे से रेस्टोरेंट पे, वहीं पे पहुँच के नॉन वेज वीडियो को थोड़ी सी देर में करेगा कंटिन्यू। तो चलिए, क्या बोलो, बता क्या बोल रहा था भैया, प्रणाम, और क्या बोल रहा था, भोजन 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 क्या गो ऋतिक भाई, भांग के नशे होते तो इंसान क्या करता है भाई, कुछ नहीं करता, बस हंसता रहता है, सब्जी पूड़ी हंसता रहता है, सब्जी पूड़ी मांग, मतलब फेस पे स्माइल रहती है, मतलब अभी मेरे फेस पे इतनी है नहीं, मतलब मेरे को नहीं हुए आती रहती है। और एक बंदा दिखाऊंगा, एक बंदा दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, जिसके चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही है भाई, देखता हां मैं किससे बात कर रहा है, गौरव कहा है, गौरव अभी अपन उज्जैन में केरे दीपक कलाल क्या बोल रहा अम्मू, ओ उसको अम्मू, वीडियो देख लेगा अम्मू, अम्मू भाई देखा टोन मार दिया तुमको, केला तुम नहीं आया तो मैं इसके साथ आ गया, वो फेमस हो रहा अभी आज फेमस हो रहा है दीपक कलाल, हल्के इतने तो नशे तो होने थे, खाना खाया आ चुका भाई, देखो हमारा ये बोल रहा है इसको खाओ, जल्दी चलो शुरू करो भाई, और आ रही है भाई आ रही है। तो गाइस अभी अपन आए थे बस स्टैंड के आसपास, कौन सा रेस्टोरेंट नाम पता है इसका भैया, नाम क्या अपने रेस्टोरेंट का, सावरिया रेस्टोरेंट पे बॉयज ये चेक कर सकते हैं, 100 रुपए में भरपेट
खाली। अरे कहना क्या चाहते हो? खाना भी खाना थाली से चाली तक खाली थाली नहीं है। थाली खाएगा 100 रुपए में भरपेट थाली भरपेट खाना भोजन भोजन आपने महादेव के क्या क्या एक बार क्या महादेव के के सामने आप पैसे नहीं लेके जाओगे फिर वोट कर दिए इनका रेस्टोरेंट में। खाना वाना खाते हैं गाइस थोड़ी सी देर में। खाना खाने के बाद यहाँ का थोड़ा सा सीन मैं आपको बताऊंगा। क्या हो रहा है यहाँ पे हड़ताल क्यों है बस की हड़ताल इसलिए है कि अभी बाहर चलते हैं पता करके बताते हैं। मतलब कुछ सरकार वगैरह कुछ सरकार कुछ लिए है उन्होंने ड्राइवरों के ऊपर लगा दिया है पाबंदी। जैसे अगर वो एक्सीडेंट करते हैं तो उनके ऊपर लाखों का चालान है इसलिए उन्होंने हड़ताल डाल दी है। हाँ तो थोड़ी हड़ताल वगैरह हो गई भाई तो उसका प्रदर्शन कर रहे हैं पूरा चौराहे पे। अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में आपको भाई पूरी बसें बंद है। मतलब समझे वो कॉलेज पर कहीं भी नहीं जा रही बसें चक्का जाम। तो कुल मिला के बात ये है मतलब कि जो कोई पैसे लेके जा भी रहा है ना ऑटो वाला वहाँ पे क्या मार रहा है उसको मार रहे बीच रास्ते में रोक रहे हैं कि भाई तुमने मना किया है तो क्यों जा रहे हो। तो जो लेके जा रहे हैं पैसों की लालच के में उसको वापस जाके मार। हमने देखा नहीं सुना। अभी बाहर चलते हैं किसी को आपको दिखाते हैं मतलब कि किसी भैया से मिलवाएंगे उनसे सारी बात पता करेंगे। फिलहाल खाना खत्म करते थोड़ी सी देर में बाहर इस वीडियो को लोकेशन पे मतलब कि क्या बोल रहा हूँ यार इस वीडियो को थोड़ी सी देर में तुम्हारा भाई करेगा कंटिन्यू। चलिए भाई मैं भारी हो रहा भयंकर सर ठीक है वो गोल गोल भी घूम रहा है। तू आधा खाएगा मैं आधा खाऊंगा मुझे नहीं हुए सही ऋतिक भाई आके तो दिखा दो पब्लिक को। नहीं सुपारी कौन सी सुपारी नहीं डाली पान मान मनवा रहे भाई नशे हो रहा है मेरे को तो हो रहा है पूरा गोल गोल घूम रहा है सर ऐसा लग रहा है बस कहीं बैठ जाओ। अब सही है पहले अंधेरा आ रहा था सर क्या चल रहा है अभी अपन स्टेशन भोपाल प्लान कैंसिल हो गया यार बस के चक्कर में। अरे लूंगा कौन सा वो सादा क्या भैया मेरे को पिज्जा खाई दिख रही है मेरे को काम करो उसमें सादा मसाला डलवा भैया भीड़ ऊपर जाइए भैया भीड़ देखना ऊपर जाके भाई मैं खाऊं मेरे पास देखो मैं खाऊं कैसे उसको कैसे हो गए भाई। अब कहाँ जा रहा है जल्दी बता घूम रहा हूँ मैं भाई अपन को भैया अपन को कौन से स्टेशन जाना पे अच्छा तो मैं स्टेशन कौन सा जाना है इसको बैंकर वाले हुए भाई सर घूम रहा है भाइयों नीचे चले अपन स्टेशन सुन लेंगे सर घूम रहा है भाई बहुत बेकार सर घूम रहा है मेरा भाइयों मालवा भाइयों यही है भाइयों यही है। अरे जो टाइम भाइयों टाइम तो पूछ ले टाइम कितने बजे भाइयों यही है 1:45 बैंकर होगा भाइयों भाइयों 1:45 अपन अभी अभी एक नंबर का एक नंबर भाइयों यही तो है। अरे भाई घूम रहा है पैर इधर चौधर उधर चौधर भाई स्टेशन का हाल बताऊं मैं तुमको भाई देख रहे हैं देखो भाई 3 बार ट्रेन भर जाएगी इससे ये 1 बार की नहीं भरेगी ट्रेन 3 बार भर जाएगी भाई क्या पौनी के भाई भयंकर भीड़ हो रही है भाई अबे कैसे जाएंगे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ अपन बैठेंगे कैसे भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ ऐसी जगह नहीं है ये डाल भाई तू कितना परेशान हो रहे है भाई अपन क्या कितना परेशान हो रहे है भाई ट्रेवल तो अभी निकल जाते बस से यार अब वो ट्रेन चल रही देखो
ट्रेन का इंतजार भी हूँ, लोग देखो कितने बैठे हुए यार। अबे गोरा कहाँ है? घूम गया गोरा, गोरा घूम गया भाई, यू पीछे कहाँ घूम रहा है पीछे? कितनी पब्लिक है भाई, 15-20 कर दूंगा, 30 कर दूंगा। भरी पड़ी है, कोई जाएगा यहाँ से? A few moments later. तो ऋतिक भाई वहाँ पे वो ट्रेन में इतने मतलब पटली वगैरह पे इतने सारे लोग बैठे थे, क्या सीन था वो भाई? क्या तो मतलब इतना ट्रैफिक भाई, इतनी पब्लिक भाई, पूरे स्टेशन पे पब्लिक, आपने फ्लिप में देख लिया होगा भाई। हमारे भाई ने बोला भी था मत जाना है ऐसे टाइम पे, क्राउड बहुत होगा। 1 तारीख हो गया है तो कोई सा भी ऐसे डे पड़ गया तो धार्मिक स्थल जाने भाई थोड़ा सोच लिया करो, बिकॉज परेशानी बहुत होती है, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल वाली। तो जो भी आपने क्लिप में भीड़ वगैरह देखी भाई, सरकार से ड्राइवर की कोई सी कंप्लेंट थी ना, उनने कुछ कर दिया था भाई। तो भाई सीन कुछ ऐसा था, उनने कर दी थी हड़ताल पूरे उज्जैन में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे ना बस चल रही है, ना टैक्सी चल रही है, पैदल कुछ भी नहीं चल रहा है, पैदल पैदल घूम रहे हैं। ट्रेनें कैंसिल हो रही है, पहले सुबह कैंसिल हुई 7 बजे वाली, उसके बाद दिन में 11:30 बजे वाली। भाई कैसे आए मैं जानता हूँ, जैसे जैसे बट फाइनली भोपाल पहुंच गए। चुप नहीं हो रहा भाई, इसके वजह से मैं भोपाल पहुंच जाऊंगा भाई, मेरे को उठा देना। अबे वहां पे इतनी खड़े होने की जगह नहीं, मैं लेट गया वहां पे नीचे। कौन मैं? अबे वहां तो बैठाना पड़ा भाई, ये तो पता नहीं नीचे फेंक दे तो भाई बहुत सीन आउट हो गया था। उज्जैन जाना, उज्जैन की भांग पीना, बट एक घूंट से ज्यादा मत पीना भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पीने भोपाल कैसे आया मेरे को खुद को याद नहीं है, ट्रेन में मैं कहाँ कहाँ पड़ा था, मैंने कौन कौन सी हरकतें की है। अपन ने जो नॉर्मल समझा था वो नॉर्मल था नहीं भाई, वो देखा रहा थे भाई, मतलब वीडियो कंटिन्यू छोड़ो भाई, मोबाइल निकालने की हिम्मत नहीं थी ऐसा ऋतिक भाई, कंटिन्यू बोला जा रहा है भाई, कुछ नहीं बोला। बट फाइनली जैसे तैसे पहुंचे भाई, अपन भोपाल पहुंच चुके, बहुत अच्छा लग रहा है भोपाल में आके भाई, थोड़ा उतारा हो चुका है, मतलब सर थोड़ा हल्का हल्का हो रही है। अरे चाय में पी लेते यार, गलत भाई है, ऊपर चढ़ जाएगी और ऊपर चढ़ जाएगी, आ जाएगी चाय से मीठे तो चढ़ाएगी भाई। ये बंदा चुप नहीं हो रही है यार, मैं क्या बताऊँ, पटर उसकी बातें सुन सुन के मेरा अंदर ऐसा लग रहा था कि भाई को पता नहीं लगता क्या बोल रहा। पता नहीं भाई, मतलब दर्शन थे ही नहीं नसीब में ओमकालेश्वर के, वो नहीं थे नसीब में भाई, बुलावा यही तो सच्चे बुलावा। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो सीन कुछ ऐसा है भाई, जो भी हमने बकचोदी करी, अच्छा था वीडियो बनाया, जैसे भी वीडियो बनाया अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करो, बने रहो मेरे साथ साथ मेरी जर्नी में, बहुत कुछ आने वाले टाइम में सबके लिए। यहाँ पे ब्रो माल साफ हो रहा है, माल साफ करो। तो सीन कुछ ऐसा है, फाइनली अपन आ चुके हैं भोपाल और 6 नंबर स्टेशन पे, जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करो, वैसे तो पहले फिर तो बोल दिया मैंने ये, बट आज वाली वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना करते हो तो हमारा भाई यहीं पे एंड करेगा, मिलेगा आप सबसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का, सो टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।